आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी सियासी दलों की जो अटकल है वो तेज होती दिखाई दे रही है। सभी दलों में इस वक्त हलचलें बेहद तेज हो चुकी है। जनता के बीच जाकर सभी राजनीतिक दल के नेता और सभी दिग्गज नेता पहुंचकर जनता के सामने अपना हाल बता रहे हैं और आगामी चुनाव में क्या कुछ उनकी रणनीति रहने वाली है इस पर भी चर्चा की जा रही है। ऐसे में जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ उनकी राय है, किस सरकार को वो इस वक्त वोट देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उनका मूड है, ये जानने के लिए इस वक्त प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है, जहां पर अलग अलग जिलों में जाकर हमारे संवाददाता वहां की जनता का हाल जान रहे हैं। और यही जानने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको लेकर चलते हैं हमारे इस खास एपिसोड में। दो हजार बाईस के चुनाव का बिगुल बज चुका है, आइए हम देखते हैं इसमें जनता की क्या राय है। हम उस जगह पर खड़े हैं, शहर के मशहूर होटल पे खड़े हैं जो हाहाकार होटल के नाम से मशहूर है। आइए हम जानते हैं इनकी राय। सबसे पहले आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि भाजपा की सरकार रहे और जैसा काम भाजपा कर रही है ऐसे ही करती रहे और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी दी जाए और जो गुंडागिरी है वो गुंडागिरी भी खत्म हो गए। हम कहते हैं ये हमेशा ये सरकार हमेशा यही रहे। आप भाजपा की सरकार, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या आप यहीं के वोटर हैं? जी मैं यहीं का वोटर हूँ। आप किसी सरकार चाहते हैं? मैं बीजेपी सरकार चाहता हूँ क्योंकि इस राज में जो है गुंडा राज नहीं है और अगर ये हिंदू मुस्लिम ना करें तो इनसे अच्छी कोई सरकार नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया बीजेपी सरकार फिर चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वासी, क्या आप यहीं के वोटर हैं? हाँ मैं यहीं का वोटर हूँ। अब की बार आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? मैं कांग्रेस की सरकार लाना चाहता हूँ क्योंकि सभी ने यहाँ पर आकर के अपने अपने झूठे वादे किए हैं और किसी ने कोई भी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरा, चाहे वो अखिलेश जी हों चाहे वो मायावती जी हों। और प्रेजेंट टाइम पे जो बीजेपी की सरकार है वो तो माँ भ्रष्ट सरकार है। इनके जितने भी वादे हैं सब झूठे हैं, कोई भी वादा ऐसा मजबूत और सच्चा इन्होंने नहीं किया जो जनता हित में हो। सारे काम इन्होंने जो भी किए हैं आज तक वो गलत किए हैं। यहाँ तक कि किसान मर रहा है और उसको ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसान बिल उन्होंने वापस नहीं लिया और अब उम्मीद ये चुनाव नज़दीक आ गया तो ये कोशिश है इनकी कि अभी चुनाव बिल वापस लिया जाए कि वो किसान बिल वापस लिया जाए चुनाव के समय में, जबकि 3 साल से 2.5 साल से किसान धरने में बैठे हैं और उसका कोई इन्होंने रास्ता नहीं निकाला। कितने लोग मर गए, कितने जो है बर्बाद हो गए, कितनी फसलें बर्बाद हो गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी जो है सरकार गठित करे और अपनी सरकार बनाए मजबूती से और यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए। क्यों यहाँ पर क्या सरकार ने, योगी सरकार ने यहाँ पर मेट्रो दिया, फ्लाईओवर दिए और आपको और क्या उम्मीद रखते हैं? वो मेट्रो तो हमारा शहर इतना विकसित और विकासशील नहीं है जहाँ मेट्रो की ज़रूरत है। यहाँ तो आप ये समझ लीजिए कि लोग अपने जो है विक्रम से और ई रिक्शा से काम चलाते हैं। मेट्रो तो सतत जैसे राजधानी जैसी जगह, हम लखनऊ में भी कामयाब नहीं है मेट्रो, सिर्फ दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ इतना फास्ट ट्रैफिक है और फास्ट लोग हैं वहाँ पर मेट्रो सक्सेस है, जहाँ एक छोर से दूसरे छोर पर दिल्ली के लोग जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ 95% जो भी जनता है वो सब डेली बेसिस काम करने वाली है। इसलिए मेट्रो दिल्ली में कामयाब है, उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर कहीं कोई कामयाबी नहीं है मेट्रो की। उसकी जगह अगर योगी आदित्यनाथ जी एक जैसे यहाँ कार्डियोलॉजी अपने कानपुर शहर में है ऐसा दूसरा कार्डियोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहीं पर बना देते तो ये उनकी प्रशंसा होती और ये उनकी अच्छाई होती, लेकिन उन्हें इस पर ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य के लिए कितना सचेत रही है गवर्नमेंट आप भी जानते हैं इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा अगर कमी मिली, खामी मिली तो स्वास्थ्य के ही प्रति मिली, क्योंकि कोरोना जब आया, कोरोना के आने के बाद कितनी महामारी हुई, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में बिल्कुल बेड नहीं खाली थे और दूसरी तरह इस तरह से क्राइसिस हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की कमी हो गई। लोगों ने करोड़ों रुपए जो पूंजीपति थे उन्होंने तो अपना पैसा लगा करके जाने बचा ली, जो गरीब आदमी थे वो बुरी तरह से पीड़ित थे और बगैर पैसे के अभाव से उनके परिवार के परिवार नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। चलिए आइए हम दूसरे ग्रह जाते हैं। भैया आप क्या यहीं के वोटर? जी भैया। क्या नाम है आप? राजेश कनौजिया।
आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं 2022 में? अखिलेश यादव को। क्यों, ऐसा क्या है इसकी? अभी तक जितना भी यूपी में विकास हुआ है वो सिर्फ अखिलेश यादव के द्वारा हुआ है। जितनी भी सरकारें आई, अभी मायावती ने हमारी सिर्फ उन्होंने लखनऊ और नोएडा चमकाया। अखिलेश यादव जी वो मंत्री थे जिन्होंने पूरा यूपी को चमकाया है, चाहे कानपुर हो, कोई भी जिले हो, उन्हीं का विकास दिखता है। आइए देखिए, किस कुछ लोग अखिलेश कह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग कांग्रेस कह रहे हैं। आइए हम अगले वोटर से मिलते हैं। क्या आप यहीं के वोटर हैं? जी, मैं यहीं आर नगर विधानसभा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी जायसवाल है। अब की बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप किसकी चाहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे भैया ने कहा कि बीजेपी ने गुंडा राज खत्म कर दिया, विकास दुबे इसी सरकार में हुआ था, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। 14% आंकड़े ज़्यादा हैं इस बार क्राइम के। कहाँ पे? और आप अच्छा, नॉर्मल विकास आप किससे देखते हैं? एक नॉर्मल आदमी क्या चाहता है? बिजली क्या सस्ती हुई, सिलेंडर क्या सस्ते हुए, छोड़िए रोजगार, छोटी छोटी जो सब्जियां हैं, छोटी छोटी सब्जियां जिनको गरीब आदमी अपने घर से और अपने पॉकेट को जिससे बचाता है, क्या वो सस्ती हुई? उन्होंने अपने जो विधायक नीति है उससे तो पैसा लगाया, प्लस अपने घर के पैसे उन्होंने लगाए। चाहे अभी एक आपका बिराना रोड का अस्पताल की बात हो, या ये नई सड़क कर प्रोजेक्ट की बात हो, ये भी स्टार्ट कराया उन्हीं का है, और इसको अब बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्या इसको आप विकास कहते हैं? किसी विकास को रोकना विकास नहीं है, ये गलत नाम दिया गया है। मैं बिल्कुल 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव बने, क्योंकि अखिलेश यादव को विकास पुरुष का नाम जनता ने दिया है, किसी नेता ने नहीं बनाया उसको विकास पुरुष। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लीजिए, जैसे अभी छोटे भाई ने कहा, आप कानपुर की बात कर रहे हैं, नवीन मार्केट देख लीजिए, उनका प्रोजेक्ट, मेट्रो भी उनका प्रोजेक्ट था। यहाँ पे जितने भी कार्य कराए गए, जितने भी शिलान्यास जिनका उद्घाटन आज दूसरी पार्टियां कर रही हैं, वो सब अखिलेश यादव का ही दिया हुआ है। और इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे, पर बस मीडिया दिखाता नहीं है, इसलिए ये चीज़ उजागर हो नहीं पा रही। और आप मेरी ये बात दिखाइएगा जरूर, अगर आप सच दिखाना चाहते हैं तो ये चलाइएगा जरूर, पर चलेगी नहीं ये बात। चलिए आइए हम इनसे जानते हैं कि आगे किसकी राय होगी। आइए हम दूसरे आदमी के पास चलते हैं, देखते हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका वोट कर रहे हैं। क्या आप यहीं के वोटर हैं? जी। क्या नाम है? मोहम्मद गुलफाम। आपकी बार किसको सपोर्ट? अखिलेश को। अखिलेश ऐसा क्या जो आप सपोर्ट कर रहे हैं? अरे वो सबसे बेस्ट है, वो हर चीज़ कहते बढ़िया करते हैं। आप कोई चीज़ भी उनकी उठा के देख लिए, चाहे वो उनकी सरकार में सिलेंडर भी सस्ता था और गैस भी सस्ती थी, और बीजेपी में देख लीजिए स्टेशन रोड का हाल ये है कि रोड पे ट्रैफिक जाम रहता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग निकल नहीं पाते, लोगों को बहुत दिक्कत है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि बीजेपी। क्या नाम है आपका? मधु। किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार किसकी चाहते हैं? यूपी की। यूपी किसकी सरकार चाहते हैं? यूपी में आप किसकी सरकार चाहते हैं? किसकी चाहते हैं? अग्रेस की। क्यों चाहते हैं अग्रेस की सरकार? अग्रेस की जो चाहते सफाई नहीं होती है, इलाका सही नहीं रहता है, इस वजह से। हम खड़े थे यहाँ पर, जैसा लोगों से जनता से जाना, तो जनता ने ज़्यादा अखिलेश को पसंद किया और कहना है कि अब की हम सरकार बदलना चाहते हैं, ये सरकार को कुछ कमियाँ बताई हैं, कुछ खामियाँ बताई हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अगली बार जनता किसकी सरकार लाती है। कैमरा पर्सन निखिल गुप्ता के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी इंडिया कानपुर। देखते हैं और यह जनपद का सियासी मूल्य क्या है। आइए मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ और यह का सियासी मूल्य क्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, 2022 का चुनाव करीब आ चुका है जी, क्या सियासी मूल्य कहता है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? मेरे हिसाब से 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया है भाजपा सरकार के खोखले वादों से, इनकी जुमलेबाजी के तौर तरीकों से, और बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए जनता अब इनसे पूछ चुकी है, और आगामी 2022 में अखिलेश यादव जी की तरफ पूरे विश्वास के साथ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि काफ़ी अपने विकास कार्य कर रहे हैं, विकास कार्यों का कितना? बिल्कुल भी कुछ नहीं है, 10 में से 0 नंबर विकास कार्यों को। कौन सा विकास कार्य कराया है आप? औरैया की ही बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा काम है जो उनका धरातल पर है? अभी तक जितने भी काम दिख रहे हैं वो समाजवादी सरकार के द्वारा किए गए, चाहे वो सौरसैया बिजौली में अस्पताल बना हो, चाहे वो फफूंद वाली 4 लेन बनी हो, चाहे औरैया के आसपास के 7-8 बिजली के सब स्टेशन हैं वो बने हों, चाहे बिजली के तारों का, मशीनों का, बिजली की जो व्यवस्था दुरुस्त हुई जो जमाने से औरैया में ख़राब थी, वो समाजवादी सरकार की देन। आइए कुछ लोग और हमारे साथ में, क्या कहना है? 2022 का चुनाव करीब है, क्या कहना है, क्या सियासी मूल्य कहेंगे आप? तो यही कहना चाहेंगे कि समाजवादी सरकार बना है और बहुत से बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनको
समाजवादी पार्टी मुखिया द्वारा बड़ी गंभीरता से उठाया जाता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ समाजवादी सरकार 2022 तक आप सियासी मुक्त क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार बनना चाह रहा है? पहले तो मैं अपने देशवासियों को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम शुएब खान है और अरैया की सरजमी में रहता हूँ। ये आज के कार्यकाल को देखते हुए अखिलेश सरकार ने जो किया है शायद ही है कोई सरकार कर पाए। अखिलेश सरकार का कोई भी सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, उन्होंने किया क्या नहीं है, इसीलिए जनता यही चाहती है और अरैया के क्या प्रदेश की क्या पूरे देश की ये जनता चाहती है कि हमारे इस बार अखिलेश भैया आएंगे, विकास का भैया अखिलेश भैया, जिंदाबाद। आपका सियासी मूड क्या है, किसको वोट करेंगे? योगी आएंगे और क्या। योगी सरकार में सर क्या कुछ देखा आपने जो योगी आएंगे? योगी सरकार में अच्छा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा। हाँ, हर चीज को प्राथमिकता है, मतलब हर तरह से अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन अब फिर भी काफ़ी व्यवस्था सही हो रही है। विकास कार्य को लेकर बात की जाए, और यह कितना विकास कार्य होगा? और अरैया में तो पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा है। हमारे हम लोग ज़्यादा इधर उधर तो घूमते नहीं है, व्यवसायी आदमी है, यहाँ बैठना है तो अपना ठीक है। लेकिन फिर भी सतीश जी, 2022 का चुनाव करीब आ चुका है जी, क्या आपकी राय है मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी या बसपा या बीजेपी या कांग्रेस या सपा? हालांकि बसपा ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन इस समय जो है मोदी जी ने काम आगे काफ़ी बढ़ चढ़ कर अच्छा काम किया है। मतलब महिलाओं को तो खास तौर से प्राथमिकता दी इन्होंने हर क्षेत्र में, और अभी तक जो है लॉकडाउन में राशन भी अच्छा दिया इन्होंने, और आगे इनकी आने संभावना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को लाभ मिला और यह जनपद को क्या विकास कार्य? और यह जनपद का विकास कार्य क्या, मतलब जो है सबसे पहला जो कार्य मेन होता है हेल्थ, उसके विषय में जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया। अस्पतालों में जो है जीर्णोद्धार कराया और संख्याओं की संख्या बढ़वाई, और इस तरह से कुल मिला के उन्होंने अन्य सरकारों की तुलना में अच्छा कार्य किया है। भैया क्या नाम आपका? शरद कुमार। सर क्या करते हो आप? मेरी सराफी की स्वरूप। आज आपको मालूम है 2022 चुनाव नज़दीक है, तो आप किसको वोट करना चाहिए, क्या सियासी मूड आपका है? मैं तो भाजपा को ही वोट करना चाहूँगा, क्योंकि भाजपा के शासन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा है, और इससे महिलाओं में एक खुले विचारधारा का प्रवेश हुआ है, तो वोट फॉर बीजेपी। और यह विकास कार्य की बात कही, कितना विकास कार्य? विकास तो होता ही रहता है, और आगे भी कुछ ना कुछ योजनाओं का शिलान्यास ही होगा। इसके पहले भी सपा सरकार रही, उसमें भी काफ़ी विकास कार्य कराए गए। इसमें सपा में तो विकास हुआ है, लेकिन उनका विकास उनके ही क्षेत्र में जाना रहता है। 2022 का चुनाव नजदीक है, आपकी क्या राय है, सियासी मूड क्या कहना चाहते हैं, किसको वोट करेंगे? वोट के लिए तो जो काम सरकार अच्छा करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। इस राज्य में देखा जाए तो जहाँ तक है भाजपा की सरकार में भी काम हुआ है, लेकिन ज़्यादा खास अच्छा नहीं। तो अब की बार देखते हैं कि कौन जीत रहा है कौन जीत नहीं आ रहा, वो तो समय बता देता है कि कौन जीतता है कौन हारता है, उसी के अनुसार वोट दिया जाएगा। और आगे के लिए भविष्य के लिए जो अच्छा रहे, अच्छी सरकार बने, जो हमारे देश में अच्छा काम करे, उसी को वोट देंगे हम। जो अच्छा काम करेगी उसी को ज़्यादातर वोट जाएगा। बाबा क्या नाम आपका? जयनारायण अवस्थी। जयनारायण जी, 2022 का चुनाव नजदीक है, हाँ, सियासी मूड क्या है, क्या कहना चाहिए? भाजपा सरकार बनेगी, भाजपा ने बहुत काम किए हैं, जो 500 साल से नहीं हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और 370 और 35 जो है वो कोई नहीं कर पा, ना भविष्य में कर पाता, ना अब तक कर किया किसी ने, तो वो ये काम किया। और ये फोल जे 6-lane हाईवे जो बनवाया है, सड़कें जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस है और पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये तमाम काम जो किए हैं, और भविष्य में जो है और कोई इतना सक्षम सरकार नहीं बनेगी, जे लूट खूट की सरकार बनेगी, भाई भतीजे की सरकार बनेगी। तो लिहाजा ये है कि भाजपा की सरकार
100% से अब बनेगी। इसके पहले भी समाजवादी सरकार हुआ करती थी, इससे पहले भी समाजवादी सरकार हुआ करती थी, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं कराई, उनकी क्या यादें रही? पहले की सरकारें रही, भाई भतीजावाद की रही, जात पात की रही, सुने वही मायावती ने किया, वही सपा ने किया, और कांग्रेस तो बिल्कुल बेकार है, उसने तो देश को सत्यानाश कर दिया। औरैया विधानसभा 204 का सर्वे प्राइम टीवी की टीम ने किया, लोगों की मिली जुली राय देखने को मिली। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी की कुछ लोगों ने तारीफ की, वहीं कांग्रेस की भी तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों ने बताया। वहीं बात की जाए तो बीजेपी की लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी। मैं आपको बता दूं कि औरैया की उत्तर प्रदेश में जो इसकी भी सरकार बनती है वो औरैया का विधायक होता है, उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। जैसे कि मैं बात करूं 2007 की, तो हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी से शेखर तिवारी ने जीत हासिल की थी, उसी के दौरान उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बनी थी। 2012 की अगर बात करूं तो हमारे औरैया से मदन गौतम जी ने जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। 2022 की 17 की बात करें तो हमारे विधायक स्वर्गीय रमेश दिवाकर जी ने जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। औरैया से जो भी विधानसभा से जीत के जाता है उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। प्राइम टीवी के लिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट, औरैया। बार अखिलेश या योगी, इन सवालों के जवाब के लिए हम युवाओं के साथ आए हैं और इनसे जानते हैं इस बार किसकी सरकार। भाई साहब, इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा? इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। इस बार किसकी सरकार? भाजपा आएगी। भाजपा? भाजपा ही है। मत है कि इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? मोदी। यहाँ पर युवाएं काफी उत्तेजित हैं और मैं जानूंगा युवाओं से, भैया इस बार किसकी सरकार? हम ये नहीं कह सकते इस बार किसकी सरकार। अखिलेश यादव। अखिलेश भैया, इस बार किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी जी। भैया किसकी सरकार? अखिलेश यादव। अखिलेश जी। भाई साहब ने बताया अखिलेश इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश अखिलेश भैया जिंदाबाद। यहाँ पर युवाएं काफी हलचल में है और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ अखिलेश यादव आ रहा है और बीजेपी भी आ रही है। भैया इस बार किसकी सरकार बनेगी सत्ता में? देखिए, छात्र हम लोग युवा हैं और यहाँ पे छात्र हमेशा आकलन करते हैं कि हमको पढ़ा लिखा और समाज में विकास करने वाला वो आदमी चाहिए। मुझे किसी जाति पर जाके वोट नहीं करना है और ना ही मुझे बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग पसंद हैं। देवरिया के लोकल स्तर पर जो विकास करेगा वो नेता यहाँ चुना जाएगा और उस नेता पर किसी क्या लगता है बीजेपी में विकास नहीं हुआ है? बीजेपी में विकास हुआ है लेकिन अभी पूर्णतः लोग सहमत नहीं है। अभी हो सकता है कि जनता एक बार और प्रयास करे या मन बनाए। यहाँ काफी युवाएं हैं, इनसे भी जानेंगे कि भाई साहब इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी? भैया शर्माइए मत, किसकी सरकार? सपा की। सपा? भैया इस बार किसकी सरकार? देखिए, इस बार जैसे जो भी मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, राष्ट्रीय लेवल पे जो भी पार्टी आए, स्टेट लेवल पे जो भी पार्टी आए, लेकिन देवरिया विधानसभा जहाँ से हम सब निवास करते हैं, तो हमारा ये मानना है कि कोई भी विधायक ऐसा हो जो हमारे देवरिया जनपद का विकास करे। देवरिया में कुछ कार्य अधूरे हैं। देवरिया में जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले अभी तो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आए हुए राज्य सरकार में जो भी मेडिकल कॉलेज मिला है, तो ये मान रहा है कि हाँ राज्य सरकार ने कुछ काम किया है, लेकिन जिस तरह से जिस मानक के अनुसार केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, सारे विधायक उनके हैं, लोकसभा मेंबर भी उनके हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से कार्य हो रहा है, सरकार ने युवाओं के लिए बेहतर बहुत प्रयास किया है। आप देख सकते हैं, आप जिस डिग्री कॉलेज में खड़े हैं। 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव में लगभग 4 महीने शेष बच चुके हैं और सभी नेताएं और अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए जनता को लुभाने की लाख कोशिश कर रहे हैं। और आप 2022 के चुनावी मुद्दे पर हम बात करेंगे और युवाओं से जानेंगे कि यहाँ क्या विकास हुआ है और किस कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं। बाबू, किसको वोट करेंगे आप? अखिलेश यादव को देखा जाएगा। अखिलेश आएंगे इस बार? बीजेपी नहीं आएगी? देखा जाएगा जी। अरे बीजेपी ने बहुत विकास किया है। किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार जिसकी आएगी, जो युवा सुनेगा उसकी ही सरकार आएगी। क्या लगता है इस सरकार में युवाओं को सुना नहीं गया? नहीं सुना जा रहा है। क्या क्या आप करेंगे, क्या चाहते हैं? हमारे एक ही मांग है, बताइए, 3 साल से भर्ती नहीं हो रहा है आर्मी का। आखिर हम लोग का एज भी खत्म, भर्ती देखते हैं, हम लोग का एज भी खत्म हो रहा है, हर चीज से परेशान है, घर की परिस्थिति आप जानते हैं, हर चीज लड़कों का। भैया इस बार किसकी सरकार आएगी? अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्या यहाँ विकास नहीं हुए हैं? कुछ नहीं हुआ है। आप देवरिया चले जाइए, रोड देख लीजिए, बराव का रोड देख लीजिए, कुछ नहीं विकास हुआ है। यहाँ बाबा खड़े हैं। बाबा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये थोड़ी बता सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। फिर भी आप वोट किसको करेंगे? अब हमने को वोट यहाँ जनता खड़ी है, जनता आपको देख रही है, आप बताइए आपको विकास
हुआ है तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, विकास का हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि बाबा इस बार किसकी सरकार बनेगी। अरे भैया, सरकार बनने की बात तो अलग है, अपना अपना मन है, अपना मत है। गुंडा राज तो बनाना नहीं है हमको। बिल्कुल, सपा को वोट दे करके गुंडा राज थोड़ी बनाएंगे हम। बाबा इस बार किसके वोट देगा? मोदी जी के और के सरकार ऊपर वाला के को सरकार बनी हुई नहीं महाराज। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे? फिर आएंगे। बिल्कुल, बाबा जी ने बताया कि इस बार फिर मोदी जी आ रहे हैं और काफी लोग यहाँ पे साइकिल से भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। बाबा ये बार केकर सरकार बनी? साइकिल के, साइकिल बनेगा, आप साइकिल पे चल रहे हैं? क्या यहाँ विकास नहीं हुआ बाबा? अब उतना विकास उकास के विषय में हम नहीं जानते। बाबा ने बताया कि इस बार साइकिल आ रही है और यहाँ पे कई लोग हेडफोन लगा के भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया इस बार क्या सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी भैया इस समय अखिलेश सरकार बनेगी। क्या क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भैया? क्यों नहीं आएगी? ये महाराज महंगाई इतना चढ़ गया है, जो पेट्रोल हम गैस मिलता 350 अब आ गया है 1,050 रुपये, हम लोग क्या कहाँ से जाएं? क्या आप ये अंडा रोल बेचते हैं? यहाँ पे तमाम लोग आते होंगे और क्या बातें, क्या बातें उभर के सामने आती हैं? जो रिफाइन हम 70 रुपये खरीदते हैं अब 135 रुपये खरीद रहे हैं, जो मैदा हम खरीदते थे 18 रुपया 16 रुपया इस समय हम लोग 26 रुपये किलो खरीद रहे हैं। क्या भैया इस बार किसकी सरकार बनेगी बाबू? इसकी बार अखिलेश यादव सरकार बनेगी। अखिलेश यादव आएंगे इस बार? क्या बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी ने तो बहुत काम किया है। अरे क्या काम किया है, क्या क्या लगता है, क्या कमी है बीजेपी में? बहुत कमी है, बहुत इतनी है, महामारी बहुत है। जैसा कि इस समय हम एक अंडा रोल के दुकान पे और यहाँ पे काफी लोग एकत्र होकर अपनी राय बताते हैं और जानते हैं कि बाबा यहाँ खड़े हैं। बाबा ये बार किसकी सरकार आई? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार आई? हाँ। भाजपा क्या विकास किया आपके लिए? कोनो आई ना। बाबा बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का सरकार आएगा और दो लोग बता रहे हैं कि सपा का सरकार आएगा। बाहर युवाएं भी यहाँ पर खड़े हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। भाई साहब इस बार किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी? जो है वही आएगी भाई। अरे सपा आएगा। क्या भाजपा विकास नहीं किया है? भाजपा क्या किया है, सबको बर्बाद करके रख दिया है, क्या किया है भैया? ये राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का गढ़ है। गढ़ है तो क्या किया है? देखिए ना, यही विकास यही दिख रहा है, यही विकास दिख रहा है और क्या दिख रहा है? यहाँ पे विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है दिख रहा है, जो विकास हुआ है यही दिख रहा है। देखिए आगे भी चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे काफी लोग मौजूद है और एक अंडा वाला भाई साहब है, उनसे भी जानेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। भैया किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार आ रही है, बीजेपी नहीं आएगी? अब देखो क्या, हमको तो नहीं पता है। मतलब आपके वहाँ विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कि इस बीजेपी सरकार में 2017 में कितने विकास हुए हैं और कितने विकास अधूरे रहे। एपिसोड में आपने देखा कि क्या कुछ जनता का मूड है, जहां एक तरफ जनता सरकार के कामकाज से खुश दिखाई दी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बार बदलाव चाहते हैं। जनता ने अपने मूड को साफ कर दिया है, लेकिन ऐसे में आगामी चुनाव पर इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, किसके हाथ इस बार सत्ता आने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।